हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि होस्टिंगर के ऊपर हम कैसे कोई फाइल अपलोड कर सकते हैं। जो फाइल हम लेने वाले हैं आज वो पीएचपी से रिलेटेड होगा, तो हम पीएचपी का एक फाइल अपलोड करेंगे, उसका आउटपुट चेक करेंगे। वे भी ट्राई करेंगे कि कैसे हम एक छोटा सा एपीआई बना सकते हैं, हार्ड कोडेड एपीआई बना सकते हैं पीएचपी में होस्टिंगर के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉग इन कर लेना है अपने एचपैनल में। मैं लॉगिन कर रहा हूँ एचपैनल में, ठीक है। इसके बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना जिस भी होस्टिंग में आप जा रहे हो, तो आप मैनेज पे क्लिक करो, आप यहाँ पे आ जाओगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल मैनेजर आपका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक सब डोमेन बना रहा हूँ जहाँ पे मैं ये फाइल्स अपलोड करूँगा, क्योंकि ये मेरा पेरेंट वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि इसमें कुछ भी अपलोड करूँ, तो मैं एक सब डोमेन बना लेता हूँ। अगर आप लोग को एक पार्ट स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो। मैं सब डोमेन पे गया और मैंने यहाँ पे टेस्टिंग करके बना लेता हूँ, ठीक है। टेस्टिंग, ठीक है, ये बन चुका है, ये टेस्टिंग बन गया। अब हम यहाँ पे चले जाएंगे। कैसे जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, डैशबोर्ड पे आ जाओ, फाइल मैनेजर में जाओ और ये आपका पूरा का पूरा फाइल मैनेजर ओपन कर देगा। और यहाँ पे आप पब्लिक एचटीएमएल में चले जाओ, यहाँ पे आपको टेस्टिंग दिख रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट डॉट पीएचपी। अगर अभी आप ओपन करोगे टेस्टिंग डॉट द ये, और उसके बाद टेस्टिंग, तो आपको ये दिख रहा है कि डिफ़ॉल्ट वाला पेज ओपन हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम अपना पेज लोड करेंगे। तो ये वाला इन्होंने कंटेंट डाल रखा है, अभी पहले क्या करता हूँ, मैं इसको डिलीट करता हूँ और सेव करता हूँ। जैसे ही मैं उस पेज पे जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, आपको दिखेगा कि वो डिफ़ॉल्ट वाला कंटेंट हट चुका है। अब बैक आते हैं, इसको क्लोज करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे नया फाइल अपलोड करना है, ठीक है। तो नया फाइल अपलोड करने के लिए बनाना पड़ेगा नया फाइल, तो मैं चैट जीपीटी को बोलता हूँ एक छोटा सा फाइल बना के दे दो मुझे। यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है, ये बना लेते हैं। इसने डेटाबेस का भी दे दिया है, बट डेटाबेस मेरे पास अभी है नहीं, तो सब बाद में करेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्टली हमारे पास एरर आ जाएगा, ये भी एसक्यूएल का कुछ है ही। तो ये हो गया, ठीक है। और अभी मैं वीएस कोड एक बार ओपन कर लेता हूँ, उधर ही फाइल बना लूँगा एक छोटा सा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, न्यू फाइल, एंड मैं इसका नाम दे देता हूँ इंडेक्स डॉट पीएचपी। देन मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपका विंडोज़ भी है तो आप इस तरीके से बना लेना, कॉपी पेस्ट कर लो, इधर सेव कर दिया। अब इसको अपलोड करेंगे, अपलोड करने के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, या आपको आइकन दिख रहा होगा, मैं थोड़ा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। सो इंक्रीज, सो यहाँ पे आप क्लिक करो। अगर आपके पास फोल्डर है तो आप फोल्डर अपलोड कर सकते हो, फाइल है तो फाइल अपलोड कर सकते हो। तो मुझे फाइल अपलोड करना है, तो मैंने इस पर क्लिक किया, एंड देन मेरा जो कोड है वो है ये, ठीक है, ये मैंने अपलोड कर दिया। तो इस तरीके से ये अपलोड हो गया। और इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, देखता हूँ कि इंडेक्स डॉट पी एच पी अपलोड हो, मतलब बाय डिफॉल्ट इंडेक्स डॉट पी एच पी होता है, लोड होता है। अगर वो लोड नहीं होगा तो इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट मी रिफ्रेश। तो आप देख रहे हो क्या, यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन करके टाइटल तो चेंज हो चुका है। इसका एक बार कोड भी चेक कर लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कितनी दिख नहीं रहा है। So let's see, it's
तो टाइटल इज आ चुका है एंड 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 रिफ्रेश ओके। तो ये क्या कर रहा है, कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है बट इससे कनेक्शन बनी नहीं है, इस वजह से ये कर रहा है प्रॉब्लम। तो कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं डाई। डाई से क्या होता है आपको पता है कि नेक्स्ट लाइन आपको एक्सक्लूड कभी होगा ही नहीं, इस वजह से आपको नेक्स्ट लाइन में कुछ भी दिख नहीं रहा है। तो कनेक्शन फेल मैंने यहाँ पर बोल दिया इसको, ठीक है, और इसको सेव कर लिया। आई थिंक अभी डाई कहीं पर नहीं है, तो नेक्स्ट आपका चलेगा सर। तो मैं यहाँ पर आ गया, इसको रिफ्रेश करता हूँ। So still we are getting this issue. So what we can do, we can remove this part for now. Okay. See. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने PHP का फाइल अपलोड कर सकते हो। हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या कोड था। तो ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो हम क्या करते हैं कि बस हम सबमिट वाला पोर्शन रखते हैं, डेटाबेस वाला पोर्शन रिमूव कर देते हैं, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि कैसे डेटा आ रहा है फॉर्म्स। सो 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 ये डन हो गया। अब यहाँ पे इको कर देंगे, ठीक है, इको यूज़र नेम, ठीक है। और यूज़र नेम कैसे आएगा आपका, तो इस वाले वेरिएबल से आएगा। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया वाला यूज़र नेम, ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा। या आप इसको नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया और वो नीचे कर देता हूँ। सिमिलरली पासवर्ड के लिए भी कर देंगे हम लोग। सो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिया, पासवर्ड वगैरह प्रिंट करा दिया और यहाँ पे यूज़र पासवर्ड कर दिया, सेव कर दिया एंड एंड नाउ आई विल रिफ्रेश दिस, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे दूंगा यूज़र वन और पासवर्ड 123 को रजिस्टर कर दिया। जैसे रजिस्टर किया मैंने, आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र नेम आपका आ चुका है, यूज़र वन एंड यूज़र पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो, उसमें जो पैरामीटर्स है वो आप रिसीव कर सकते हो, ठीक है। ये तो फर्स्ट पोर्शन हो गया कि हमने नॉर्मल फॉर्म बना लिया। अब हम ये चाहते हैं कि मान लो कि हमें कोई API बनाना है, तो API कैसे बना सकते हैं। सो API बनाने के लिए सिंपल, आप यहाँ पर चले जाओ और बोलो कि मुझे एक हार्ड कोडेड API चाहिए। गिव मी वन फंक्शन टू प्रिंट हार्ड कोडेड यूजर इनपुट एस API। एक एसोसिएटिव वैल्यू होता है, ठीक है, उसके हेल्प से आप API जैसा रेस्पॉन्स बना सकते हैं। तो जी इसने एसोसिएटिव वैल्यू यूज़ किया है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, सिर्फ इतना पोर्शन पूरा फाइल एंड 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 यहाँ पे वो फंक्शन को डाल देंगे, ठीक है। PHP हटा देंगे क्योंकि PHP ऑलरेडी स्टार्टेड है ऊपर में, मेरे पास अदरवाइज एरर आ जाएगा, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया। अभी अगर रिफ्रेश करोगे कंटिन्यू, तो इस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन आएगा, विच इज नॉट गुड। 1 मिनट, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हेडर टाइप क्या कर दिया है, एप्लीकेशन कर दिया है, एप्लीकेशन जेसन कर दिया है, तो ये HTML का भी वैसे ट्रीट कर रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको कमेंट कर देना है। जेसन जो इनकोड है वो आपका सफिशियंट है इसको कन्वर्ट करने के लिए, जेसन फॉर्मेट एसोसिएटिव एरर को कन्वर्ट करने के लिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि आप APIs भी बना सकते हो डायरेक्टली। अगर किसी को API बना के देना है तो आपको क्या करना है, बस एरे बनाना है जो कि एसोसिएटिव टाइप का होगा। एसोसिएटिव टाइप का क्या मतलब है, एक की एसोसिएट होता है एक वैल्यू के साथ, मतलब एक वैल्यू एसोसिएट होता है आपका की के साथ ऐसा। अब यहाँ पे जैसे आपको एड्रेस वगैरह देना है तो वो भी आप डिफाइन करके दे सकते हो। तो अगर इसमें आपको कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, तो आप पूछ सकते हो।
ठीक है, मैंने फाइल अपलोडिंग आपको बता दिया है, एक एक्स्ट्रा चीज़ मैंने आपको ये भी बता दिया कि आप सब डोमेन बना के उस पर भी अपलोड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब।